देखिए प्रभास के फैंस के लिए काफी बुरी अपडेट आ गई है। जब सलार वन आया था तब मेकर्स ने अनाउंस कर दिए थे अब वो जल्द ही सलार टू सरंगा पर्वम का काम चालू कर देंगे। तो भाई प्रशांत हिल ने अपना प्लान अब बदल दिए हैं। जी हाँ, जहाँ पहले प्रभास की सलार टू का शूटिंग अप्रैल मई के महीने में चालू होने वाली थी तो वहीं अब सलार टू का काम कम से कम सितंबर अक्टूबर के बाद ही चालू हो पाएगा। यानी जो हम वाले कंपनी बोला था वो अपने सलार टू को 2025 के मिड में रिलीज करने वाला है तो ये रिलीज डेट भी पोस्टपोन्ड हो सकती है। मतलब सलार टू आपको साल के एंड में दिसंबर के समय देखने को मिल पाएगा रणवीर कपूर की लव एंड वार के साथ। बाकी भाई पता नहीं अभी प्रशांत नील क्या कर रहे हैं। इंडिया 31 भी पोस्टपोन्ड हो गई है और जबकि सलार टू का स्क्रिप्ट पहले ही बन चुका है बट उसको भी स्टार्ट करने में ये महा से इतना ज्यादा समय लगा रहे हैं जो सही में अच्छी खबर नहीं है प्रभास के फैंस के लिए। खैर अभी सलार का हिंदी वर्जन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अच्छा रिकॉर्ड बना रहा है और साथ में सलार को दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिल चुका है वो भी बेस्ट फिल्म के कैटेगरी में। यानी सलार दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अनुसार 2023 की सबसे अच्छी फिल्म है। तो जैसे कि आप जानते हैं कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया में आपकी मंजुलिका कैरेक्टर विद्या बलन प्ले करी है तो भाई मंजुलिका के बाद मेकर्स ने आपकी केरा अडवाणी को भी फिल्म से हटा दिए हैं। आपकी कार्तिक आर्यन के अपोजिट में मेकर्स एनिमल के तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिए हैं एज द लीड हीरोइन के रोल में। भाई पहले रूमर था कि ये मोहतरमा कार्तिक आर्यन के साथ उनकी आज के 3 में होंगी बट टी सीरीज वाले इनको भी भूल भुलैया में डाल दिए हैं। सो आपको क्या लगता है क्या तृप्ति डिमरी भूल भुलैया हॉरर कॉमेडी के लिए परफेक्ट है या नहीं कार्तिक आर्यन के अपोजिट में। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 के स्थान पृथ्वीराज सुकुमारन की गॉड लाइफ भी 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी पैन इंडिया ईद के मौके पे। तो भाई अब पृथ्वीराज सुकुमारन की गॉड लाइफ प्री पॉन्ड हो चुका है यानी अब ये फिल्म अपने रिलीज डेट से पहले ही रिलीज होने वाली है वो अभी 28 मार्च को ही। यानी आपको मार्च के महीना में ऑपरेशन वैलेंटाइन फिर अजय देवगन के शैतान 8 मार्च को फिर 15 मार्च को सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा और महीने के आखिरी में पृथ्वीराज सुकुमारन भी गॉड लाइफ को रिलीज करेंगे सिनेमा में। यानी मार्च के महीना में फिल्मी ऑडियंस के लिए टॉप लेवल की फिल्में देखने को मौका मिलेगी। देखिए भाई कल 23 फरवरी को सिनेमा लवर डे है इंडिया में सो इसी मौके पर कल जितनी भी फिल्में रिलीज होगी या रिलीज हो चुकी है उन सारी फिल्मों का टिकट का प्राइस मात्र 99 रुपया होगा। जी हाँ, क्रैक का भी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुका है और इसका भी टिकट का प्राइस 99 रुपया ही मेकर्स रखे हैं। और बाकी क्रैक के बाद शाहिद कपूर की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म फिर यामी गौतम के आर्टिकल 370 फिर तेजस सज्जा के हनुमान सबका टिकट का प्राइस 99 रुपया रखा गया है कल 23 फरवरी के लिए सिनेमा लवर डे के मौके पे। और ही बात क्रैक के एडवांस बुकिंग की तो भाई अभी तक क्रैक का 50,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड हो गया है एडवांस बुकिंग में जिससे फिल्म का कलेक्शन भी 1 करोड़ तक कंप्लीट हो गई है एडवांस बुकिंग के अंदर। यानी कि भाई विद्युत जामल की पिछले IB71 से ज्यादा बड़ा ओपनिंग ये क्रैक करने वाला है बॉक्स ऑफिस पर। बाकी अब तो कल ही पता चलेगा फिल्म का कंटेंट कैसा होता है और ऑडियंस का रिएक्शन कैसा आता है क्रैक फिल्म के ऊपर। 2 महीना पहले धर्मा प्रोडक्शन अनाउंस किया था वो फिर से वरुण धवन की दुल्हनिया बनाने वाला है तो भाई अब फाइनली धर्मा प्रोडक्शन वरुण धवन की दुल्हनिया 3 का भी अनाउंसमेंट कर दिया है और अब इस फिल्म का नाम सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी होगा। जी हाँ, सही में इतना बड़ा टाइटल के साथ फिल्म आने वाला है और अब की भी सेम वैसे ही कंसेप्ट होगा सनी संस्कारी में बद्रीनाथ और हम्ती शर्मा की दुल्हनिया के जैसा। और वरुण धवन फिल्म का शूटिंग इसी साल के मिड से चालू कर देंगे जाह्नवी कपूर और डायरेक्टर शशांक खैतान के साथ और ये सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी अगले साल 18 अप्रैल को ही रिलीज होने वाली है। यानी अगले साल वरुण धवन कम से कम 4 फिल्में रिलीज करेंगे ऑडियंस में। बाकी इस साल मई के महीना में उनकी बेबी जोन को देख लेते हैं ये क्या करता है बॉक्स ऑफिस पे। वैसे भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।